कल हम लोगों ने जो है एक विद्युत ध्रुव के कारण जो विभव होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, और हम लोगों ने देखा था कि अगर ये विद्युत ध्रुव है, मान लीजिए प्लस है और ये वाला हिस्सा माइनस है, और ये इसकी अक्ष है, यहाँ से आर दूरी पर, यहाँ आर दूरी पर या जो है पॉइंट पी पर अगर विद्युत विभव निकाला जाए तो वो विद्युत विभव का सूत्र यह आता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने बात किया था, और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दो थे, उसको मैंने आपसे पढ़ने के लिए कहा था और बता भी दिया था। अब ये दूसरा टॉपिक आज यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, आवेश के निकाय के कारण विभव। आवेशों के निकाय के कारण विभव, आवेशों का निकाय अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, यह एक बिंदु है, यह एक बिंदु है, इसके पड़ोस में जो है कई बिंदु है, यह बिंदु है, इसके पड़ोस में एक आवेश Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा Q3 है, Q4 है, Q5 है, कई बिंदु आवेश हैं, और हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कुल कितना विभव होगा। तो भैया यहाँ पर भी अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होगा। ठीक है, यहाँ पर भी अध्यारोपण सिद्धांत लागू होगा। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि भैया इसके कारण यहाँ पर विभव निकाल लीजिए, इसके कारण यहाँ पर विभव निकाल लीजिए, इसके कारण जो है यहाँ पर विभव निकाल लीजिए, इसके कारण यहाँ विभव निकाल लीजिए, इसके कारण विभव निकाल लीजिए, और सबका बीजगणितीय योग कर दीजिए। हमने योग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, हमने कहा बीजगणितीय योग कर दीजिए, इसलिए बोला है बीजगणितीय योग करने के लिए कि जो ऋणात्मक आवेश होंगे उनके कारण जो विभव होगा ऋणात्मक होगा, और जो धनात्मक होंगे उनके कारण विभव क्या होगा धनात्मक होगा। तो ऋण वाले के कारण ऋण आएगा और धन वाले के कारण धन आएगा, तो चिन्ह समेत रखेंगे तो उसी को हम बोलते हैं बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, यही जो है किसी आवेश का जो निकाय है, कई ढेर सारे आवेश अगर कहीं पर उपस्थित है, उन सभी आवेशों के कारण किसी बिंदु पर अगर आपको विभव निकालना है तो हर एक आवेश के कारण आप क्या कीजिए, हर एक आवेश के कारण आप विभव निकाल लीजिए और सबका बीजगणितीय योग ले लीजिए, तो आपको इस बिंदु P पर जो है संपूर्ण विभव आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर भैया? खुशी पाल क्लियर बेटा? जी सर। ओके, अब अब यहाँ पर देखिए एक सवाल है हम लोग सामने, उदाहरण 2.2। उदाहरण 2.2 क्या कह रहा है, इसमें उदाहरण संख्या 2.2 हम लोगों से कह रहा है कि 3×10⁻⁸ और −2×10⁻⁸ के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है, अनंत पर वैद्युत विभव शून्य लीजिए। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव है, विद्युत विभव क्या होता है सब लोग जानते हैं, 1/4 πε0, बोलो भैया, εr Q/r के बराबर होता है, बोलो बच्चों। जी सर, Q/r के बराबर होता है। तो इस सूत्र के निगमन में एक बात मान ली जाती है कि अनंत पर जो विभव है वो शून्य है। ठीक है, इसीलिए आगे अनंत पर वैद्युत विभव शून्य लीजिए, मतलब आप यह सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसी में ये छुपा हुआ है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये एक धन आवेश है और यहाँ पर एक ऋण आवेश है। ठीक है, इनके बीच में दूरी कितनी है भैया बताइए तो, खुशी पाल जी बताइए इन दोनों के बीच में दूरी कितना है बेटा? 15 सेंटीमीटर है, बहुत अच्छे। तो भैया कोई भी बिंदु इसके बीच में अगर ले लिया जाए, कोई भी बिंदु P अगर इसके बीच में कहीं ले लिया जाए, यह वाला के कारण धन धन जो है विभव होगा और इस वाले कारण ऋण विभव होगा, क्या बोलिए? जी सर। और ऐसा भी हो सकता है कि जितना धन विभव आया इस बिंदु पर उतना ही ऋण विभव आ गया। ठीक है, दूरी मैंने कम कर दी तो इसके कारण ऋण विभव, और यह दूरी ज्यादा कर दी तो धन विभव, दोनों क्या हो गए, परिमाण में तो बराबर है लेकिन चिन्ह में विपरीत हो गए, दोनों जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोलो भैया।
इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है, ये पूछा जा रहा। तो मान लिया कि एक बिंदु P है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जहां पर विद्युत विभव शून्य के बराबर है, तो यही हमें पता करना है कि कितनी दूरी पर है और इससे कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो आइडिया बड़ा सरल है, बहुत ही सरल है कि यहाँ से बच्चों, यहाँ से अगर x मान लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक x मान लिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बताइए भाई, पी ए कितना हो जाएगा? x माइनस 15 माइनस x होगा, 15 टोटल है बेटा, 15 यहाँ से यहाँ तक 15 है ना, उसमें से ये x काट के हटा दोगे तो ये 15 माइनस x ना बचेगा जी सर। हाँ, तो ये 15 माइनस एक्स के बराबर होगा। तो अब दोनों कारण विभव निकाल लिया, देखिए पॉजिटिव वाले कारण विभव 1/4πε0 क्यू बाई आर यहाँ पर ले लिया, और निगेटिव वाले कारण 1/4πε0 क्यू बाई 15 माइनस एक्स इंटू 10^-2। ये 10^-2 क्यों लाया गया है? मीटर में बदला गया है, मीटर में बदला गया है, वेरी गुड एक्टा, एक्सेलेंट है ना। और सब जगह से 1/4πε0 कॉमन ले लिया बच्चा, बोलो भैया जी। ओके, कॉमन ले लिया गया है, तो कॉमन ले लिया गया है तो भैया यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो बचा हमारे पास, जो ब्रैकेट में बचा उसमें कटम कुटा सब करने के बाद ये संबंध मिला, 3/x - 2/15 - x = 0। तो x बराबर क्या हो गया, 9 हो गया, x बराबर 9 क्या, तो हम कह सकते हैं इसको हल करने पर ये एक मिनट, हाँ ठीक है, यह जो है 3/x - 2/15 - x = 0 हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है, इनका कहना ये है कि भाई इसको विस्तारित कर दीजिए, इस लाइन को जो है विस्तारित कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी x ले लीजिए और यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है एक मिनट, ये मान लीजिए कि वो बिंदु इधर अगर पड़ जाए तब क्या होगा, वो बिंदु अगर इधर पड़ जाए, मान लीजिए k से x दूरी पर अगर पड़ जाए, ठीक है, तो यहाँ से 15+x हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 15+x हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो अगर बाहर की तरफ गया, इन दोनों के बीच में जो है था तो ठीक था कि अगर इसको x माने तो 15 - x हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर अगर बाहर चला गया बिंदु, ये बाहर चला गया भैया, तब क्या होगा, तब वो इसके कारण यहाँ मान लीजिए x दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, 15+x के बराबर हो जाएगा। तो अगर विस्तारित अगर आपने कर दिया है, एक मिनट रुक जाइए जरा सा, एक मिनट, गलती हो रही है, गलती क्या हो रही है कि हमने मान लिया कि अगर इसको विस्तारित कर दिया है, मतलब आपने कल्पना किया कि वह बिंदु P जो है उधर न होकर के यहाँ पर होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर आपने x मान लिया ये पॉजिटिव वाले से, तो निगेटिव वाले से इतना अगर काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 x माइनस 15 हो जाएगा ना भैया, बोलो। यह पूरी दूरी x है और यह दूरी 15 है, तो उस समय यह क्या हो जाएगा, x माइनस 15 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो कंडीशन में अगर आप दोनों का विभव शून्य करेंगे अगर जोड़ करके, तो 3/x - 2/ यहाँ पर x माइनस 15 होगा। इस वाले केस में जब दोनों के ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच में कहीं पड़ा रहा था, तो यहाँ 15 - x था, लेकिन अगर बाहर पड़ेगा तो यहाँ पर x माइनस 15 के बराबर होगा, और इसको हल करने पर x = 45 सेंटीमीटर आ रहा है, x = 45 सेंटीमीटर आ रहा है। यानी अगर यह पॉजिटिव वाला आवेश है और यह बेटा निगेटिव वाला अगर आवेश है, इनको ज्वाइन किया जाए, तो इस पॉजिटिव वाले से 9 सेंटीमीटर पर एक ऐसा बिंदु उपलब्ध होगा जहां ये घटना होने जा रही है, 9 सेंटीमीटर इस पॉइंट पर विभव शून्य होगा, और इससे 45 सेंटीमीटर पर भी एक ऐसा बिंदु होगा, 45 सेंटीमीटर पर भी एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर विभव क्या होगा, शून्य होगा, इसके कारण पॉजिटिव और इसके कारण नेगेटिव। क्लियर हो गई बात, बोलो बच्चा जी सर। ओके, दैट्स गुड।
अच्छा चलिए, उदाहरण संख्या 2.3 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर उदाहरण संख्या 2.3 में कहा है, ए और बी में क्रमशः एकल धन तथा ऋण आवेशों की क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी विद्युत बल रेखाएं जो है ये ऐसे 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 है, और निगेटिव वाली की क्या है, अंदर की तरफ आती है क्या? बोलो भैया, ये बल रेखाओं का जी सर। निगेटिव वाले में जो है बल रेखाएं जो है भीतर की तरफ आ रही हैं, निगेटिव वाले में जो है बल रेखाएं भीतर की तरफ आ रही हैं, और पॉजिटिव वाले में जो है बल रेखाएं क्या आ रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं। इसमें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए बिंदु P है और यहाँ पर बिंदु Q है और यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B है। बहुत ही बेहतरीन सवाल। VP माइनस VQ मतलब VP मतलब बिंदु P का विभव है ना, मतलब बिंदु Q का विभव। यह माइनस अगर करेंगे तो चिन्ह ऋणात्मक आएगा कि धनात्मक आएगा, चलो बताओ। टेस्ट है, शुभम गुप्ता तुम बताओ। तो पी का विभव VP माइनस VQ पॉजिटिव आएगा बच्चा कि निगेटिव आएगा? पॉजिटिव। कौन बोला है पॉजिटिव? अंचल आपने बोला सर। है। रवि रंजन जी आपका क्या विचार है? पॉजिटिव आएगा सर। कैसे भैया? सर इसकी जो तू मतलब बाहर की तरफ जा, यहाँ पर देखिए ये दूरी कम है और ये दूरी क्या है ज्यादा है, तो यहाँ पर विभव कम होगा और यहाँ पर विभव ज्यादा होगा। ठीक है भैया, बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्या होता है, आर होता है। यहाँ पर आर जो है कम है, आर कम है तो VP जो हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, और यह जो है आर ज्यादा है भैया तो यहाँ पर VQ जो होगा कम हो जाएगा। तो यह ज्यादा में से कम घटाए पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, यस। तो VP माइनस VQ जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में आप ये कहेंगे सर यहाँ एक धन आवेश रखिए, तो ये धकेलेगा और ये धकेल करके इधर की तरफ भेज देगा। तो हमेशा हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज जो है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलता है, इसका ज्यादा है और इसका कम है, तो VP माइनस VQ जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? बोलो भैया। अब यहाँ पर अब यहाँ मजेदार बात है, बताइए VA माइनस VB क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, बताइए? देखिए यहाँ पर ए बिंदु का मान लीजिए कि -5 वोल्ट है ना, और बी बिंदु का जो विभव है भैया -7 वोल्ट है, नहीं सॉरी एक मिनट जरा समझिए, -3 वोल्ट के बराबर है। दूरी बढ़ गया ना तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगा, बताइए -3 और -5 में कौन बड़ा है? -3 और -5 में कौन बड़ा है बच्चा? -3 बड़ा है, ठीक। तो आपसे VA माइनस VB पूछा जा रहा है, तो इसका विभव जो है VA माइनस फाइव है और यहाँ पर VB क्या है, -3 है भैया, तो करेंगे तो क्या ये निगेटिव आ जाएगा बच्चा? बोलो भैया। हाँ इस केस में भले यह पास है, यह भले पास है, लेकिन यह आवेश जो है वो क्या है, निगेटिव है, इसका विभव कम हो जाएगा और इसका विभव ज्यादा हो जाएगा। आवेश का भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव रहता तो ए का विभव ज्यादा होता और बी का विभव कम होता, इसका 5 होता इसका 3 होता, तो VA माइनस VB क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। लेकिन निगेटिव होने के कारण इसका -5 हो गया, इसका -3 हो गया, तो इसका कम हो गया और बी वाले का ज्यादा हो गया, ठीक है। तो VA माइनस VB जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, ओके, और VB माइनस VA जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। VA माइनस VB निगेटिव है तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप देखिए बिंदु Q और P पर, एक बिंदु Q पर और एक बिंदु P पर है ना, और A और B के बीच एक छोटे ऋण आवेश की स्थिति ऊर्जा के अंतर का चिन्ह बताइए, है ना। क्यू और पी, ए और बी के बीच एक छोटे से आवेश की स्थिति ऊर्जा के अंतर का चिन्ह बताइए,
तो भैया जो चिन्ह जो यहाँ पर जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, वी पी इंटू क्यू होगा। कोई अगर आवेश जो है क्यू रखा गया तो यहाँ का स्थितिज ऊर्जा क्यू इंटू वी पी होगा, और क्यू वाले पर जो होगा वो क्यू इंटू वी क्यू के बराबर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो यह वाला कम हो जाएगा और यह वाला ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई अगर आवेश अगर पी और क्यू पर अगर रखा जाए और पी और क्यू से ले जाया जाए तो यहाँ क्यू और पी पर, क्यू पर रखा जाएगा तो उसका स्थितिज ऊर्जा कम होगा और पी पर रखा जाएगा तो उसका स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगा। तो क्यू और पी का अंतर निकालना है तो निगेटिव होगा, और ए से बी, ए से बी, ए पर जो है माइनस, जैसे माइनस फाइव क्यू के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस थ्री क्यू के बराबर हो जाएगा। तो ए और बी के बीच छोटे से ऋण आवेश की स्थिति, छोटे से ऋण, ओ ऋण आवेश दिक्कत हो गया, ऋण आवेश लेना है ना, ये फंसा दिया। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर वोल्टेज मान लीजिए 3 वोल्ट है और यहाँ पर मान लीजिए 5 वोल्ट है भैया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आवेश रखा गया मान लीजिए कि 2 कूलाम का रखा गया, हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इंटू टू माइनस टू रखा गया, तो ये माइनस टू और यहाँ पर माइनस इंटू टू हो जाएगा, माइनस टू से किया तो ये -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो जब यहाँ ऋण आवेश अगर रखेंगे तो यहाँ पर उसका जो है विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पर विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, माइनस होने के कारण ऐसा हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा रुको और समझा देते हैं। मान लो इस चित्र को भी दिमाग से हटा दो, है ना, एक बिंदु है वो दावा कर रहा है कि हम वी वोल्ट पर हैं, ठीक है, स्पेस में बिंदु कह रहा है कि हमारा वोल्टेज जो है वी वोल्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एकांक आवेश को बिना त्वरण के यहाँ पर लाने के लिए किया गया कार्य कितना करना पड़ा, जूल प्रति कूलम करना पड़ा है भैया, यही ना विभव का यही ना परिभाषा है, 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए किया गया कार्य, ठीक है, बराबर है। कूलाम को लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, q इंटू वी के बराबर करना पड़ेगा, बोलो भैया। ओके, आप देखो अगर यह q जो है माइनस q होगा तो इतना जूल कार्य करना पड़ेगा, माइनस q इंटू वी के बराबर करना पड़ेगा। तो हमने तो कहा कि यहाँ P बिंदु का विभव जो है ज्यादा है और Q बिंदु का विभव कम है, क्योंकि यहाँ स्रोत जो है पॉजिटिव है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा, एक ऋणात्मक, मान लीजिए कि यह 5 वोल्ट पर है और यह बच्चा 3 वोल्ट पर है, तो P का विभव ज्यादा है और Q का विभव कम है। तो P का विभव अगर ज्यादा है और Q का विभव अगर कम है, और इस पर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि -2 कूलाम का आवेश रखा जाए, तो Q इंटू वी निकालिए तो यहाँ माइनस आ जाएगा इंटू टू आ जाएगा, और बच्चा यहाँ पर माइनस आ जाएगा इंटू टू आ जाएगा। तो अब देखिए कमाल की चीज क्या हो जाएगा, -10 वोल्ट 10 जूल के बराबर हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा, -6 जूल के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यह कि P पॉइंट पर जो आवेश रखा गया उसका, उसकी ऊर्जा जो है कम हो जाएगी, और जो Q वाले पर रखा गया उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक कारण से होगा, वह कारण है कि जो आपने आवेश रखा है वो माइनस यहाँ पर रखा, ठीक है भैया। ओके, उसी तरह से ए और बी, ए का विभव -5 है और यहाँ पर बी का विभव -3 है, नंबर से तो ये कम है लेकिन ये विभव ज्यादा है और ये विभव कम है, और यहाँ पर ऋणात्मक -2 कूलाम ला करके रख दीजिए और यहाँ पर भी -2 कूलाम के बराबर ला करके रख दीजिए भैया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 जूल हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, 3 × 6 6 जूल के बराबर हो जाएगा। मतलब 2 कूलाम का आवेश यहाँ पर अगर रखा गया है ना, तो उसका स्थिति ऊर्जा जो हो जाएगा 6 जूल के बराबर हो जाएगा, और 2 कूलाम का यहाँ पर रखा गया तो उसका स्थिति ऊर्जा कितना हो जाएगा, 10 जूल के बराबर हो जाएगा। इसका विभव कम था, इसका विभव ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर जब आवेश रखा गया तो उसकी ऊर्जा कम हो गई और यहाँ पर ऊर्जा ज्यादा हो गई, इसीलिए उस उदाहरण को दिया गया है। कि आप समझने की कोशिश करिए कि माइनस और प्लस आवेश रखने से भी बहुत फर्क पड़ता है चीजों में, ठीक है बच्चों, बोलो भैया। जी सर। अब देखिए क्यू और पी, ए
सॉरी क्यू से पी तक छोटे धनावेश को ले जाने में क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह बताइए। क्यू से पी तक आप एक छोटे से धनावेश को आप ले जा रहे हैं, तो भैया धन आवेश है तो क्यू का विभव कम है, तो उसकी धन आवेश क्यू की ऊर्जा जो हो जाएगी कम हो जाएगी, और यहाँ पर विभव ज्यादा है, क्यू का विभव कम है और पी का विभव ज्यादा है, तो क्यू इंटू पी क्या हो जाएगा, यह वाला ज्यादा हो जाएगा और यह वाला क्या है कम हो जाएगा, तो ज्यादा विभव से कम विभव से ज्यादा विभव की तरफ जा रहे हैं, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा, क्यू इंटू वीपी माइनस क्यू इंटू वी ए एंड दैट इज इक्वल टू क्यू बाहर ले लीजिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा वीपी माइनस वी क्यू हो जाएगा, ठीक है, और वीपी ज्यादा है, वीक्यू कम है और क्यू जो है पॉजिटिव है, तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर क्यू से पी तक एक छोटे से धनावेश को ले जाया जाए तो जो चिन्ह होगा कार्य का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है बच्चों, बोलो भैया। यस सर। अब आप लोगों को थोड़ा सा बताना है, थोड़ा सा माथा पाची करिए। बी से ए तक एक छोटे से ऋण आवेश को ले जाने के लिए वाय साधन द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह बताइए। बी से ए तक है ना, बी से ए तक आप एक छोटे से आवेश को ले जा रहे हैं, सॉरी बी से ए तक, तो देखिए बी का विभव जो था -3 था और ए का विभव -5 था, तो बी का विभव ज्यादा था और ए का विभव क्या है कम है, तो हम बी से ए तक ले जा रहे हैं। बताइए उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ ले जा रहे हैं कि निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ ले जा रहे हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये कार्य करना नहीं पड़ेगा, कार्य हमको मिल जाएगा, कार्य करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए 2 कूलाम अगर आवेश है तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी, 2 कूलाम आवेश यहाँ पर -10 जूल के बराबर हो जाएगी, और यहाँ पर जो ऊर्जा हो जाएगी इंटू टू अगर ले लिया ऋण आवेश है, तो यहाँ पर अगर माइनस है तो भैया ये जो है प्लस हो जाएगा 10, और ये जो हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब बी पर जो है तो उसकी ऊर्जा 6 जूल के बराबर है, और जब ए पर आ रहा है तो उसकी ऊर्जा कितने के बराबर हो जा रही है, 10 जूल के बराबर हो जा रही है। क्लियर है भैया? जी सर। तो देखो ऋण आवेश को ले जाओगे तो यह ऋण आवेश उसको आने देगा कि आपको जबरदस्ती करके ले जाना पड़ेगा, बताइए, बोलो भाई। यहाँ से देखो यही सब पेच है, यहाँ पर यहाँ ऋण आवेश ले रहा है और यह भी ऋण आवेश है, दोनों में प्रतिकर्षण होगा कि आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण, तो यहाँ धकेल करके ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर गया तो उसके पास ऊर्जा इतनी है और यहाँ पर था तो उसके पास ऊर्जा इतनी थी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना ऊर्जा कार्य करना पड़ेगा, 10 - 6, यहाँ की ऊर्जा ज्यादा हो गई और यहाँ की ऊर्जा कम है, और यहाँ से यहाँ ले जाया जा रहा है, ऊर्जा बढ़ी तो कहाँ से आई, जो कार्य आपने किया है 4 जूल के बराबर, जो आपने कार्य किया है इस आवेश के ऊपर उसी के कारण ये 4 जूल ऊर्जा बढ़ करके 6 से कितनी हो गई, 10 हो गई। क्लियर है? तो जो कार्य करना पड़ेगा, धकेल करके अगर आप ले जाते हैं तो आपको कार्य करना पड़ेगा और वो पॉजिटिव होगा। बोलो भैया। अब देखिए यहां से बी से ए पर एक ऋण आवेश को धकेला गया, ठीक है, बंदूक में रह करके ठाए मार दिया गया बी से ए की तरफ जाने के लिए, ठीक है, बी से ए तक जाने में क्या छोटे से ऋण आवेश की गतिविधि बढ़ेगी कि घटेगी, चलो इसका उत्तर तुम लोग बताओ, तुम लोग माथा पच्ची करो, डिस्कस करो और मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर जो है ऐसे धकेल दिया गया एक ऋण आवेश को बी से ए की तरफ, तो उसकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कि घटेगी, बताओ, बढ़ेगी कि घटेगी, बताओ बच्चा, घटेगी। हाँ आयुष बोलिए बेटा, ऊर्जा गतिज ऊर्जा घटेगी। हाँ गतिज ऊर्जा घटेगी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो जब ये इधर से इधर जाएगा भैया और ऋण आवेश आपने लिया है, ऋण आवेश लिया है तो ये वाला जो इधर की तरफ बल लगाएगा तो उस
उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर आएगा तो उसका वेग कम हो जाएगा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा घटी है लेकिन स्थितिज ऊर्जा बढ़ी है, यहाँ 10 था तो यहाँ 6 था तो यहाँ 10 हो गया है, तो जो गतिज ऊर्जा घटेगी वो बदल जाएगी। बोलो भैया, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, ठीक है। तो इसका दिया हुआ है, हल दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। और आज एक जो है ये जबरदस्त टॉपिक हमारे पास है जिसका नाम है सम विभव पृष्ठ। इससे प्रश्न पूछा जाता है, सम मतलब समान, विभव मतलब विभव, पृष्ठ मतलब सतह, ठीक है। सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ क्या होता है? अगर जैसे मान लीजिए कि आपने जो है यह एक गोला ले लिया और इसके केंद्र पर बच्चा एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया, ये फुटबॉल है, बाहर वाले ये फुटबॉल है, उसके केंद्र पर एक बिंदु आवेश क्यू ले लिया। चलिए अब आप लोग जवाब दीजिए, यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर बच्चा, इस पॉइंट का नाम पी, इस पॉइंट का नाम क्यू, इस पॉइंट का नाम आर, इस पॉइंट का नाम एस, यह रेडियस जो है आर के बराबर है। बताओ पी बिंदु पर विभव कितना होगा? यहाँ पर आवेश क्यू है, यह दूरी आर है, तो बिंदु पी पर विभव कितना होगा? बोलो, हाँ एकता बताओ। क्यू अपन आर, नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन खा जा रही हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर, ठीक। अच्छा क्यू वाले बिंदु पर कितना होगा? उतना ही होगा, उतना ही होगा। आर वाले बिंदु पर कितना होगा? उतना ही होगा। और एस वाले पर भी उतना होगा। तो कहने का मतलब कि सतह पर कोई भी बिंदु बराबर होगा, सब हर बिंदु पर विभव बराबर होगा क्या? जी सर। हाँ, हर बिंदु पर विभव बराबर होगा, हर बिंदु पर विभव बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसी सतह को हम बोलते हैं सम विभव पृष्ठ। मतलब इस पर पी वाले पर 10 वोल्ट अगर है तो क्यू वाले पर भी 10 वोल्ट होगा, आर वाले पर भी 10 वोल्ट होगा, और एस वाले पर भी क्या होगा? 10 वोल्ट होगा। हर बिंदु पर, इसके सतह के हर बिंदु पर विभव की मात्रा जो है वह 10 वोल्ट के बराबर है। तो ऐसे सतह को किसी आवेश के अगल बगल या किसी आवेश या आवेश समूह के अगल बगल ऐसे सतह पाए जाते हैं, ऐसे सतह पाए जाते हैं जिस पर हर बिंदु पर जो है विभव की मात्रा क्या होती है? बराबर होती है। तो ऐसे 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 पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं? सम विभव पृष्ठ बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके जी, आशा है। कितना सरल सा परिभाषा है ना। अब देखिए, जैसे एक बिंदु आवेश ले लीजिए, एक बिंदु आवेश ले लीजिए प्लस क्यू, ठीक है, उसी इतनी त्रिज्या का लेकर के ये गोला बना दीजिए तो एक सम विभव पृष्ठ हो जाएगा। इस पर अगर सब पर मान लीजिए 100 वोल्ट के बराबर जो है विभव है तो हर बिंदु पर 100 विभव होगा। अब इतनी त्रिज्या लेकर के यह अगर पृष्ठ खींच दिया गया, गोलीय पृष्ठ खींच दिया गया, ठीक है भैया, हर हर पर अगर मान लीजिए कि 50 वोल्ट है, ठीक है, तो ये भी पृष्ठ हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर इसके हर पॉइंट पर 25 वोल्ट के बराबर है तो भैया ये भी एक समविभव पृष्ठ हो गया। बोलो भैया। तो आपसे परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? आपसे परीक्षा में कहा जाएगा कि एक बिंदु आवेश है, उसके समविभव पृष्ठ कीजिए, तो आप तड़तड़ तड़तल क्या बना देंगे? गोले बना देंगे क्या? बोलो भैया। जी सर। हाँ, गोले बना देंगे, गोले बना देंगे। और मैं आपको बता दूं एक चीज, महत्वपूर्ण चीज, कि विद्युत बल रेखाएं अगर खींचेंगे तो विद्युत बल रेखाएं ऐसे आती हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं ऐसे आती हैं। तो अगर बच्चों यहाँ पर अगर मान लीजिए सम विभव पृष्ठ, इस पर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो उससे ये 90 डिग्री बनाते हुए निकलती है। तो सम विभव पृष्ठ एक बड़ी खासियत ये भी होती है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं उसे अभिलंबवत दिशा में निकलती हैं। सम विभव पृष्ठ की एक जबरदस्त खासियत ये है कि उसकी सतह से जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो अभिलंबवत दिशाओं में निकलती हैं। क्लियर हो गई बात? बोलो जी। अब मान लीजिए कि कहीं पर जो है ऐसा हुआ कि विद्युत बल, सॉरी, विद्युत क्षेत्र जो है एक समान है, तो
तो आप लोग जानते हैं समान विद्युत क्षेत्र को कैसे निरूपित किया जाता है, किस तरह की बल रेखाओं से निरूपित किया जाता है। बोलो भैया समानांतर, समानांतर और ये बराबर दूरी, ये सब समानांतर और बराबर बराबर दूरी पर बल रेखाएं हैं क्या? बोलो भैया। जी सर। तो यह एक समान विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस क्षेत्र में जो है एक समान विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। तो इसमें अगर सम विभव पृष्ठ खींचेंगे भैया तो वो समतल बनेगा, ये सम ये ठीक है। ये मान लीजिए वाला है, ये 10 वोल्ट वाला है, तो ये 5 वोल्ट वाला है, ये 3 वोल्ट वाला है, ठीक है भैया, 3 वोल्ट वाला है। तो इसके हर पॉइंट पर 3 वोल्ट मिलेगा, इसके हर पॉइंट पर जो है 5 वोल्ट मिलेगा, और इसके हर पॉइंट पर क्या मिलेगा, 10 वोल्ट मिलेगा। समझ में आई बात? तो आपसे परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि कहीं पर जो है किसी स्थान पर जो है विद्युत क्षेत्र जो है एक समान है, उस एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ खींचिए। तो आप समविभव पृष्ठ ऐसे खींच दीजिएगा, समतल होगा, ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास द्विध्रुव है, द्विध्रुव है, द्विध्रुव मतलब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज और उतना ही पॉजिटिव चार्ज के कारण जो विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव पृष्ठ जो आ रहे हैं वो ऐसे ऐसे आ रहे हैं भैया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूरियां जो हैं, यहाँ पर जो दूरियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन दूरियां बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं, बढ़ रही हैं भैया, बोलो। जी सर। ओके, तो इसका भी जो है दिमाग में रखिएगा। मैं कहूंगा कि इसको थोड़ा साइड बुक से देख लीजिएगा, किसी साइड बुक से देख लीजिएगा या इंटरनेट पर देख लीजिएगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा इसका नोट बनाते समय। यहाँ पर देखिए, अगर दो धन आवेश हैं, मान लीजिए कि ये धन आवेश हैं और ये धन आवेश हैं, तो इनका समविभव पृष्ठ क्या होगा, एक समविभव पृष्ठ ये है, मान लीजिए 50 वोल्ट का है, ठीक है, एक समविभव पृष्ठ ये है भैया, ये मान लीजिए कितने वोल्ट का है, मान लीजिए 75 वोल्ट का है, ये वाला भी जो 75 वोल्ट का है, यह सतह और यह सतह दोनों मिला करके एक समविभव पृष्ठ बना रहे हैं, यह और यह मिला करके एक समविभव पृष्ठ बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण जो समविभव पृष्ठ बन रहा है, यहाँ पर देखिए गैप ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पर गैप जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्लियर है भैया। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर जो दो धन आवेश होंगे तो उनके कारण जो है समविभव पृष्ठ कैसे होगा, कैसा होगा। तो बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई इसमें से पूछा जाएगा कि एक बिंदु आवेश है पॉजिटिव या निगेटिव, एक समान विद्युत क्षेत्र है वहां पर समविभव पृष्ठ खींचिए, एक द्विध्रुव है उसके कारण समविभव पृष्ठ खींचिए, दो पॉजिटिव चार्जेज हैं बराबर मात्रा में तो उसके कारण समविभव पृष्ठ खींचिए, ये पूछा जा सकता है, ठीक है भैया। ओके जी सर। अब एक प्रश्न लिखिए आप लोग जरा, बोले जय। बोले बच्चों। जी सर। हाँ लिखिए। लिखिए सम विभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। करीब 7-8 विशेषताएं हैं, इसको आप किताब से खोज करके या इंटरनेट से खोज करके जो है लिख करके आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है भैया। जी सर। ठीक है, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। और यह जो है, यह एक चीज पढ़ना है, है ना, यह एक चीज आप लोगों को पढ़ना है आर्टिकल। यहाँ पर देखो बच्चे, विद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग बहुत है, ठीक है। तो इसको किताब अगर आप तो इस पे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चा ये इंपॉर्टेंट है,
और जो है ये हमारे पढ़ाई में भी बहुत मदद करेगा। हिमांशु यादव जी आप अपना स्विच ऑफ रखा करिए माइक, ठीक है? हिमांशु यादव ओके ठीक है। तो बच्चा यहाँ ये चीज कर लीजिएगा, आज मैं यहीं पर क्लास ओवर कर दे रहा हूँ क्योंकि इसके तुरंत बाद मैंने टेंथ वाली भी क्लास रखी है आज, ठीक है बच्चों? ओके जी सर। ठीक है बेटा, तो दो वर्क जो दिया गया है इन दोनों वर्क को कर लीजिएगा ताकि सिलेबस थोड़ा और तेज चल सके। ओके थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।